ओहो, तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मम्मी का साड़ी पहन के और भी खूबसूरत लग रही है। खूबसूरत मतलब कितना, मतलब सुंदर लग रहा है ये साड़ी इसके पे। अब इसमें भी सब लोग कमेंट करेंगे कि ये इसको उससे रंगवाना। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो गाइस अभी यहाँ पे रंजना रेडी हो रही है, तो आप लोगों को बता दें कि आज हम लोगों के घर में पूजा होने वाला था, पर इतना ज़्यादा सामान होने के वजह से और अभी क्लीनिंग में थोड़ा टाइम है, तो हम लोग पूजा को नहीं करके हम लोग जा रहे हैं मंदिर। तो मंदिर आज जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो दिन था आज बहुत ज़्यादा परेशान थे हम लोग। दीदी हॉस्पिटल में थी और कैसे कुछ क्लिप आप लोगों को शेयर कर देंगे हम कि कैसे उस दिन क्या हो रहा था और आने के बाद क्या होगा। तो चलिए गाइस वीडियो को लेके चलते हैं। और आज हम लोग मैचिंग पहने हुए हैं येलो कलर का, बहुत खूबसूरत है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जो कि आज जो साड़ी जो रंजना पहन रही है, इसका साड़ी नहीं आया था। इस वजह से क्या हुआ कि मम्मी दी हैं अपना साड़ी जो कि है येलो कलर वाला साड़ी, जो कि बहुत खूबसूरत मुझे लगता है। तो हम बोले भी कि मम्मी आखिर ये सब होगा क्या, हम ही लोगों का होगा ये जो तभी साड़ी रखी है, तो पूरा पूरा डायलॉग मारने लगी। खैर जो भी, आप लोगों को वीडियो को लेके चलते हैं। आके हमारे घर में जो है वो अभी काम करने के लिए आंटी जी हैं, तो रंजना जैसे जाती है कुछ बताने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी में उन लोगों को आइडिया नहीं है। चावल दाल जो है वो कोई भी बना देता है, लेकिन सब्ज़ी हम लोग कैसा खाते हैं कैसा नहीं, तो थोड़ा बहुत गड़बड़ बन जा रहा है। तो जैसे रंजना जा रही है तो फिर मम्मी बोलती हैं कि तुम जाओ, तो इसलिए क्योंकि वो बोल रही हैं कि हम इसीलिए रखे हैं। और अभी जो है आप लोगों को बताते हैं, कुछ खाना बन रहा है लेकिन हम लोग नहीं खाएंगे, हम लोग जा रहे हैं आने के बाद खाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बनने वाला है, क्या पता नहीं, अभी देखते हैं क्या क्या है। तो चलिएगा इस वीडियो को लेकर चलते हैं आके। और आज मैं बोलूँगा राधे राधे जय माता दी, आप सभी लोगों का मनोकामना पूरा करे भगवान। आज हम लोग जा रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ मंदिर में चलिए और खूब सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए गाइस रंजना का लुक दिखाते हैं कि रंजना अभी कैसा लग रही है। वाकई में थोड़ा चेंज लग रही है, नेपाली के जैसा लग रही है। तो चलिए दिखाते हैं उसका आँख। तो यहाँ पे मिस्त्री लोग आए हैं, लोग उनको चाय नहीं दे रहे हैं, सुबह का वक्त हो चुका है। तो गाइस आज फाइनली हमारे घर पे बन रहा है लिट्टी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। देख सकते हैं आप लोग, सब कुछ इसमें डला गया है। और आज आंटी जी जो है वो पूरा एकदम मसाला बना रही है सुबह सुबह में। और हम लोग कहीं निकलने वाले हैं क्योंकि हमारे घर में पूजा था, और अभी पूजा जो है जो नहीं हो के हम लोग मंदिर में ही जा रहे हैं। तो आज बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन है, तो आप लोग बस बने रहिए वीडियो पे। आप लोग भी ऐसे बात दीजिए माता रानी या जो भी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे। और यहाँ पे आंटी जी, एक आंटी जी यहाँ पे हैं, दूसरी आंटी जी यहाँ पे हैं, तीसरी आंटी जी यहाँ पे हैं। चलिए गाइस यहाँ पे दीदी रेडी हुई है। तो गाइस यहाँ पे जो है फाइनली जो है अचार जो बना हुआ था इतने दिनों से, आज जाके पैक हो गया है वो भी इस डब्बा में। तो पहले वैसे बुयाम में रखा जाता था, बुयाम में रखेंगे, उस रूम में है तो उसको बाद में निकालेंगे। अभी पहले रूम मेरा सब सही हो जाए, तो निकाल के तब बुयाम में ये अचार रखेंगे, फिर वहाँ मिर्चा का अचार है सब रखेंगे बुयाम में। ये जब से आया है ना तब से यहाँ पे कबाड़ हो गया है, पता है क्यों? क्योंकि ये ना पहले जब जगह नहीं था, वैसे था पहले यहाँ पे चौकी लगा रहता था लेकिन अच्छा लगता था। यहाँ आने जाने में सब कबाड़, जिसको मन करता है, जैसे ये चाबी हम ही लोग का हो गया, ये झोला हो गया, डब्बा हो गया, जिसको मन करता है इसको ऐसे यूज करते हैं हम लोग कि बस रख दो, इसलिए यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। बाकी सब कुछ अभी देखिए कितना अच्छे से हो गया है, सब कुछ ठीक और सब लोग रेडी हो रहे हैं जल्दी जल्दी। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबको फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी सुबह का टाइम हो चुका है और मैं भी आज बाल धोकर नहा चुकी हूँ,
और ये वाला सूट पहन लूँ। और अभी मैं चल रही, देखती हूँ कि मुझे अभी क्या करना है। तो चल रहे हैं, पूजा करेंगे और उसके बाद मम्मी जी पापा जी से आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं नाश्ता में क्या बनेगा क्या नहीं। तो चलिए चलते हैं। वहाँ पे ऐसे सामान रखा हुआ, बस थोड़ा सा यहाँ से मैं क्या की साइड करती हूँ इसको, पलंग को। और अब मैं चल रही जल्दी से पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद फिर आप लोग से मिलेंगे। और उससे पहले कि मैं चल रही जल्दी से थोड़ा सफाई कर दें, तो अब आ चुके मंदिर में अपने। और यहाँ पे ये पलंग रखा हुआ था, डब्बा वब्बा भी रखा हुआ था, और बस थोड़ा सा यहाँ से स्पेस था जाने के लिए अंदर। तो मैं सोच रही थी कि चलो जल्दी से पूजा वाले रूम में आकर पूजा कर लूँ। और उससे पहले कि चल रही पहले थोड़ा बहुत सफाई कर दे, उसके बाद फिर पूजा वाला बर्तन धो लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया कल जलाए थे, जल गया सारा। और अब चल के पूजा करते हैं। के बाद ये सब उतार देते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं नहा कर रेडी हो चुकी थी, लेकिन अभी हम लोग को जाना था मंदिर। तो मैं सोची थी कि सूट जैसे पहनी थी, तो सूट तो पहन कर जा नहीं सकते। तो यहाँ पे ये वाला साड़ी पहन रहे हैं, जो कि ये मम्मी जी का है। बोले कि मैं ये वाला पहन लूँ। वैसे मैं भी निकाली थी रेड कलर का साड़ी पहनने के लिए, लेकिन फिर बोली मम्मी जी कि ये पहन लो। फिर मेरे हस्बैंड भी बोले कि नहीं येलो पहन लो, जो कि पूजा के लिए सही होता है, अच्छा भी रहता है। तो अभी जा रही है ये वाला पहनना। और इसके साथ मैं सेट कौन सा पहनूंगी वो मैं थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ। तो चलते हैं, पहले फटाफट जल्दी से रेडी हो जाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो चलिए। ओहो, तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मम्मी का साड़ी पहन के और भी खूबसूरत लग रही है। खूबसूरत मतलब कितना, मतलब सुंदर लग रहा है साड़ी इसके पे। और उससे भी ज़्यादा जो है इसका ब्लाउज का कॉम्बिनेशन हर बार चेंज लगता होगा आप लोग को। ये वाला ब्लाउज जो है रंजना अपना पहनी है, क्योंकि मम्मी का साइज पहनेगी तो फिर मम्मी तीन चार रंजना को होना पड़ेगा उसमें, मेरे में नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं अपना पहन ली हूँ। और मेरा कुछ ब्लाउज स्टिच कर नहीं है। और तुम कब सीखोगी अच्छे से जल्दी से साड़ी पहनना बताओ? मतलब पहन लेते हैं लेकिन थोड़ा टाइम को लगता है, पहन लेते हैं लेकिन हमको थोड़ा टाइम लगता है पहनने में, जल्दी हमसे नहीं हो पाता है। अभी भी पहने हैं तो थोड़ा जल्दी करो रंजना, कितना टाइम लगेगा? हम लोग रेडी हो गए, सब लोग हो गए, चूड़ा पहनने। तो अभी क्या दिखाने जा रही हो? अभी मैं जा रही हूँ चूड़ा पहनने, जो कि कुछ ऐसा है। तो चलिए आप लोग देखिए, वैसे देखे होंगे आप लोग पहले मुझे ये चूड़ा पहनते हुए। और ये गाइस कुछ ऐसा है डिज़ाइन इसका, बहुत ही प्यारा साड़ी। आपको साड़ी के साथ साथ इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, चूड़ा। हाँ चूड़ा, भाई कितना भी समय दे दो ना, समय इनके लिए कम ही पड़ेगा। अभी लगा रही हैं लैक्मे का कुछ पाउडर। तो जीजू भी गुस्सा हो रहे हैं,
पापा जी भी गुस्सा हो रहे हैं, मम्मी भी, कि कितना समय लगेगा जाने में और आने में, क्योंकि आज हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी वाला दिन है। यहाँ पे मैं ये वाला मंगलसूत्र पहन रही हूँ और जल्दी जल्दी, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो रहा है और ये मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। हल्का भी लग रहा है, हल्का लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो गाइस ये है कुछ ऐसा कानने का इनका जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है कानने का। अभी मैं चेंज कर, ये आपका कहाँ का है? ये मेरे चढ़ावा का है। और क्या कर रही हैं अभी? अभी मैं नेल पेंट लगा रही हूँ, जो कि नेल पेंट छूट गया। और ये मेहंदी देख सकते हैं लोग, चढ़ना शुरू हो गया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। चला जाए निकले, अरे माइगे, अरे ध्यान वीडियो पता गरम। तो गाइस फाइनली यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पे मम्मी है। अब इसमें भी सब लोग कमेंट करेंगे कि इसको उससे रंगवाना है। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है हमको कि आपकी दीदी को आपकी बहन लगा रहे, आपकी बहन काफी। तो गाइस फाइनली यहाँ पे अब हम लोग को हो रहा है लेट और अब जो है जल्दी से तुम खा लियो, क्या बोलते हैं इसको, अल्ता लगाने के बाद से हम लोग निकलेंगे और हम लोग के पास सिर्फ 5 मिनट बचा हुआ है। अब यहाँ पर हो चुका है पूरा खत्म। चलो 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 चलो, यहाँ पे आशीर्वाद लेके जा रही है और हम तो बोल रहे थे कि लिट्टी बना के जाती है यहाँ पे काना का। चलिए तो गाइस फाइनली मामू और भांजी दोनों लोग चश्मा पहन लिए हैं लोग और अब हम लोग निकलने वाले हैं माता रानी के दरबार में। तो बोला जाए साचे दरबार की जय। दे यहाँ पे सोच रहे थे थोड़ा पानी वानी मरवा लेते हैं और इन लोग से थोड़ा सा पूछ पाछ लिए, बहू रो रही है बच्चा। तो फाइनली हम लोग अब निकल गए मंदिर के और यहाँ पे पेट्रोल पंप के पास हम आ गए हैं क्योंकि मुझे और वो हम लोग कौन से मंदिर जा रहे हैं आप लोग को चलिए आगे चलकर दिखा रहे हैं। क्या है?